सो है गाइस, आज की इस वाला वीडियो में मैं आप लोगों को पिक्सेट मोबाइल एप्लीकेशन से कुछ इस तरह का गेमिंग बैनर एडिटिंग करके दिखाने वाला हूँ। सो गाइस, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को कुछ इस तरह का बैनर एडिटिंग करके दिखाया था। मैंने उस वाले वीडियो में थोड़ा सा हार्ड तरीके से आप लोगों को एडिटिंग करके दिखाया था, बट गाइस आज की इस वाला वीडियो में एकदम आसान तरीके से मैं इस तरह का बैनर एडिटिंग करके दिखाने वाला हूँ। ओके सो गाइस, अगर आपको भी अपने यूट्यूब चैनल के लिए कुछ इस तरह का गेमिंग बैनर एडिटिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहना ताकि आपको एडिटिंग सीखने में कोई दिक्कत ना आए। ओके गाइस, तो चलिए फिर बिना किसी वेट की आज की कमाल की वीडियो को आज हम स्टार्ट कर लेते हैं। ओके तो गाइस, सबसे पहले तो आप लोगों को ये वाला बैकग्राउंड ओपन कर लेना है अपने पिक्सेट मोबाइल एप्लीकेशन में। सो गाइस, बैकग्राउंड का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में दिया हुआ हूँ, आप लोग चेकआउट कर लेना इस वीडियो को देखने के बाद। ओके तो ऐड करने के बाद आप लोगों को ऐड फोटो पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से मैं ऐड फोटो पर क्लिक कर लेता हूँ और इसके बाद आप लोगों को एक बैकग्राउंड के फ़ोटो को ऐड कर लेना है। सो गाइस, ये वाला बैकग्राउंड आप लोग चेकआउट कर लेना डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में। ओके तो ऐड करने के बाद आप लोगों को इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर लेना है एंड कम करने के बाद कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पे ऐड कर देना है। और गाइस, अपने बैकग्राउंड के फ़ोटो को ऐड करते समय आप लोग ध्यान रहे, आपके जो फ़ोटो पर जो करेक्टर है इस वाले लकीर के अंदर ही रहना चाहिए, क्योंकि बाहर साइड आप लोगों को अपने पीसी या फिर लैपटॉप के लिए इस्तेमाल किया जाता है और अंदर साइड आप लोगों को अपने मोबाइल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए आप लोग अंदर साइड से इसको एडिटिंग कर लेना, यानी कि अंदर साइड आप लोगों को अपने करेक्टर को ऐड कर लेना। ओके और ऐड करने के बाद आप लोगों को इरेज वाला आइकन पर क्लिक करना है और शेप वाला आइकन पर क्लिक करके कुछ इसकी हार्डनेस को 100 कर लेना है एंड कुछ इस तरीके से इसको इरेज कर लेना है। ओके ओके तो गैस, मैंने ऊपर नीचे दोनों साइड से इरेज कर लिया हूँ। तो यहाँ से मैं राइट क्लिक कर लेता हूँ एंड इसकी ओपेसिटी को मैं 100 कर लेता हूँ और 100 करने के बाद आप लोगों को ऊपर प्लस वाला आइकन पर क्लिक कर देना है एंड प्लस वाला आइकन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप लोगों को ऐड फोटो पर क्लिक कर देना है और इसके बाद आप लोगों को और एक बैकग्राउंड फोटो को ऐड कर देना। तो इस वाले बैकग्राउंड को आप लोग लेफ्ट साइड में ऐड कर लेना और सेम टू सेम आप लोगों को इसको भी इरेज कर लेना है उसी प्रकार से जो आप लोग फर्स्ट वाले फोटो को इरेज कर लिए हैं। मज़ा आया। और इरेज कर लेने के बाद आप लोगों को यहाँ से राइट क्लिक कर देना है और अपने फ़ोटो के ऊपर सिटी को एकदम 100 कर लेना है। ओके और 100 करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारा दोनों फोटो एक साथ मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। सो इसको दोनों फोटो को मैच करने के लिए आप लोगों को इरेज वाला आइकन पर क्लिक कर देना है और इसकी हार्डनेस को थोड़ा सा डिक्रीज कर देना है एंड ऊपर सिटी को भी डिक्रीज एंड कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पे बीच से इसको इरेज कर लेना है। ओके और यहाँ से आप लोगों को राइट क्लिक कर देना है। ओके ओके तो गाइस, यहाँ पे मैं इतना तक एडिटिंग कर लिया हूँ। तो इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट टेक्स्ट वाला आइकन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल के नेम को लिख देना है। ओके तो यहाँ से मैं फिलहाल के लिए नेम लिख देता हूँ और इसके बाद आप लोगों को अपने टेक्स्ट को यहाँ अपने बैनर के बीचों बीच ऐड कर लेना है और यहाँ से आप लोग अपने टेक्स्ट की फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैं अपने डाउनलोड वाले फॉन्ट को ऐड कर लेता हूँ। और हाँ गाइस, और एक बात, अगर आपको अपने पिक्सेट एप्लीकेशन में स्टाइलिश फॉन्ट को ऐड करना नहीं आता तो मैंने डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में एक वीडियो का लिंक दिया हुआ हूँ, आप लोग उस वीडियो को चेकआउट कर लेना। ओके तो गाइस, यहाँ से मैं अपने टेक्स्ट की शेडो को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि दिखने में भी अच्छा लगे। और इसके बाद आप लोगों को प्लस वाला आइकन पर क्लिक कर देना है और प्लस वाला आइकन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को नेक्स्ट टेक्स्ट वाला आइकन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आप लोगों को एल को लिख देना है। ओके तो एल लिखने के बाद आप लोगों को डन कर देना है यहाँ से और इसकी फॉन्ट को चेंज कर लेना है। तो यहाँ से मैं इसकी फॉन्ट को नॉर्मल कर लेता हूँ और फॉन्ट को चेंज कर लेने के बाद आप लोगों को यहाँ से इसको लंबा कर देना है कुछ इस तरीके से। और लंबा करने के बाद आप लोगों को इसकी कलर को चेंज कर लेना है। तो इसके लिए तो आप लोगों को कलर्स वाला आइकन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आप लोगों को ब्लू कलर को सेलेक्ट कर लेना है। ओके और ब्लू कलर को सेलेक्ट कर लेने के बाद आप लोगों को ब्लेंडिंग वाला आइकन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको इसकी ब्लेंडिंग मोड को चेंज कर लेना है। तो यहाँ से मैं इसकी ब्लेंडिंग मोड को डार्कन कर लेता हूँ और इसके बाद आप लोगों को इरेज वाला आइकन पर क्लिक कर देना है और अपने टेक्स्ट के जो बाहर साइड जो एक्स्ट्रा पार्ट है तो कुछ इस तरीके से इसको इरेज कर लेना है। I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low. ओके तो गाइस, एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने इरेज कर लिया हूँ। तो इरेज करने के बाद आप लोगों को ऊपर से राइट क्लिक कर देना है और यहाँ से भी राइट क्लिक कर देना है। ओके ठीक है तो गाइस, इसके बाद आप लोगों को टेक्स्ट आइकन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप लोगों को लिख देना है द ऑफिशियल चैनल ऑफ और यहाँ से डन कर लेना है। ओके और इसकी भी टेक्स्ट स्टाइलिश को चेंज कर लेना और टेक्स्ट स्टाइलिश को चेंज करने के बाद आप लोगों को इसकी शेडो को भी इंक्रीज कर लेना है। ओके और इसके बाद आप लोगों को इस टेक्स्ट को अपने नेम के ऊपर साइड में जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे आपको ऐड कर देना। तो ऐड करने के बाद आप लोगों को अगेन प्लस वाला आइकन पर क्लिक कर देना है और प्लस वाला आइकन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को दोबारा से टेक्स्ट वाला आइकन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप लोगों को लिख देना है लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके
और इसके बाद आप लोगों को अपने इस टेक्स्ट को अपने चैनल के नीचे राइट साइड में ऐड कर लेना। और हाँ गाइस, और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले घंटे को क्लिक करना एकदम ना भूले, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक आते रहेंगे। ओके, मजा आया। ओके, तो गाइस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को ऐड फोटो पे क्लिक करना है और अपने गैलरी से एक पीएनजी को ऐड करना है। तो यहाँ से आप लोगों को यहाँ पे इसको ऐड करना है और ऐड करने के बाद आप लोगों को इसकी डुप्लीकेट बना देना है यहाँ से, और डुप्लीकेट वाला पीएनजी को आप लोग इस साइड में लेफ्ट साइड में नीचे के साइड में इसको ऐड कर देना। ओके ओके, तो गाइस पीएनजी को ऐड करने के बाद आप लोगों को यहाँ से ऊपर से राइट क्लिक कर देना है और राइट क्लिक करने के बाद आप लोगों को ऐड फोटो पर क्लिक कर देना है और ऐड फोटो पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को अपने सोशल मीडिया के पीएनजी को अपने नेम के नीचे साइड में ऐड कर देना। ओके, कुछ इस तरीके से, और यहाँ से आप लोगों को राइट क्लिक कर देना है। ओके ओके, तो गाइस इसके बाद आप लोगों को ड्रॉ टूल पर आ जाना है और ड्रॉ टूल पर आने के बाद आप लोगों को कलर्स पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आप लोगों को ब्लैक कलर को सेलेक्ट कर देना है और इसके बाद आप लोगों को इस वाला आइकन पर क्लिक कर देना है और इसके बाद आप लोगों को शेप वाला आइकन पर क्लिक करके इसको फिल कर देना है। ओके, और ओके पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ से इसको खाली जगह पर इसको ड्रॉ कर लेना है। ओके, तो ऊपर साइड भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ और ड्रॉ करने के बाद आप लोगों को अपने फोटो को सेव कर लेना है। ओके, तो इसके लिए तो आप लोगों को थ्री डॉट वाला आइकन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आप लोगों को सेव इमेज कर लेना है। सो गाइज, आई होप आप आज की इस वाले वीडियो को पसंद किए होंगे। सो गाइज, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम फ्री होता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले घंटे को ऑल पर भी क्लिक करना। ओके, तो चलिए फिर आज के लिए इतना, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो।